भारत ने मारा नहले पर दहला, रूस के चीन पर निर्भरता, भारत को मिला मौका, अब रूस चीन को कर देगा किनारे। व्लादिमीर पुतिन का बड़ा फैसला देखकर दुनिया हैरान, भारत की एंट्री रूस में। दोस्तों, हमने आपको बता दिया था कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उस समय से ही रूस में बहुत सारी कंपनी थी जिन्होंने रूस को छोड़कर भागना पसंद किया, और वहां से कई सारी कंपनी रूस को छोड़कर तुरंत ही भाग गई। खास करके यूरोप देशों की जो कंपनी थे वो जल्दी से जल्दी रूस से निकल गई। और इसको लेकर हमने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर ये भारत के लिए काफी अच्छी चीज साबित हो सकती है, भारत को मौका मिल जाएगा और भारत रूस की मार्केट को कैप्चर कर लेगा, और यही चीज आज हमें होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए यहाँ पर भारत ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी कंपनियों को रूस भेजेगा और वहाँ से अपनी कंपनियों को चलाएगा, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में भी देखा जा रहा है, और ये सिर्फ अभी इसकी शुरुआत है। जिस तरीके से भारत अभी रूस में एंट्री करने वाला है, उसे वो इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे पाएगा, चाहे वो कंपनी चीन की हो, चाहे वो कंपनी अमेरिका की हो। यहाँ पर भारत कोशिश करेगा कि वो रूस के मार्केट में अपना दबदबा बनाकर चले, और धीरे धीरे करके भारत इंटरनेशनल लेवल पर अपनी अच्छी पकड़ बना ले। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि रूस की मार्केट बहुत छोटी मार्केट है, तो ऐसा नहीं है। इसका अंदाजा अगर आपको लगाना है तो आप यहीं से लगा सकते हैं। अमेरिका की एक कंपनी है मैकडोनल्ड, जो कि भारत में भी मौजूद है, उसका जो टोटल रेवेन्यू आता है, उसका 9% रेवेन्यू सिर्फ रूस से ही आता है, और उसका जो 91% रेवेन्यू आता है वो दुनिया के 180 देशों से ही आता है, लेकिन 9% रेवेन्यू इसका सिर्फ और सिर्फ रूस से ही आता है। इसे आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि रूस की मार्केट कितनी बड़ी मार्केट है, और इसी जगह पर भारत अपनी पकड़ बनाने जा रहा है। दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है, और ये खुशखबरी खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी है। रूस के राष्ट्रपति ने भारत और चीन के सामने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है, और जिसको सुनकर ही दोनों देशों को काफी ज्यादा खुशी भी हुई है। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आपने भारत की बढ़ती ताकत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद नहीं लिखा तो अवश्य लिखें। दोस्तों, परसों ब्रिक्स की एक बहुत बड़ी समिट हुई थी, और इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल थे, और यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार किसी बड़ी मंच पर आमने सामने आए थे, और इस समय पूरी दुनिया की इन दोनों देशों के ऊपर भी नजर थी। इसके अलावा पूरी दुनिया की नजर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऊपर भी थे। इस सम्मेलन में सब देशों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन जब रूस की बारी आई तो रूस ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है, रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद सभी देशों ने रूस को अलग करने का फैसला कर लिया था, लेकिन रूस के ब्रिक्स देशों के साथ, खास करके भारत और चीन के साथ, व्यापार 37% तक बढ़ा है। दोस्तों, जिस तरीके का आंकड़ा पुतिन की नजर के सामने आया था, उसको देखकर पुतिन को काफी ज्यादा हैरानी हुई थी, क्योंकि एक तरफ अमेरिका का प्रतिबंध और दूसरी तरफ सभी देशों ने जिस तरीके की दूरी रूस से बना ली थी और व्यापार न करने का फैसला कर लिया था, और कंपनियां छोड़कर रूस को भाग रही थी। इन सभी चीजों को देखते हुए रूस को ये उम्मीद नहीं थी कि रूस का व्यापार इस तरीके से ब्रिक्स देशों के साथ बढ़ेगा। इसी को देखते हुए यहाँ पर पुतिन की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिसमें पुतिन ने चीन से कहा है, रूस भारत के साथ एक बड़ी बातचीत कर रहा है, जिसमें भारतीय कंपनियां रूस के अंदर अपनी चीन स्टॉल खोलना शुरू कर देगी, यानी कि जितने तरीके की बड़ी बड़ी सुपर मार्केट होती है, और भी कई तरीके के स्टॉल भारत द्वारा रूस में खोले जाएंगे। अगर हम आपको आसान भाषा में चीन स्टॉल का मतलब बताएं, तो इसका मतलब ये होता है कि रूस में चाहे कोई बड़ा शहर हो, कोई छोटा शहर हो या कोई कस्बा हो, हर जगह भारतीय स्टोर खोल दिए जाएंगे। इसको लेकर अनुमान लगाया जा चुका है, जिस दिन भी भारतीय कंपनियां रूस में अपना स्टॉल खोलेगी, उसके बाद भारतीय कंपनियों का हिट होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि इस समय कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, और रूस में जितनी भी पहली कंपनियां थी, ज्यादातर कंपनी यूरोप देशों की ही थी, जो कि अभी रूस छोड़कर भाग चुकी है। इसलिए भारत के लिए ये मौका किसी अवसर से कम नहीं है, और इसको लेकर दोनों देशों में लगभग बातचीत पूरी तरीके से तय हो चुकी है। अब देखना यह है कि भारत की तरफ से इस चीज की अनाउंसमेंट कब जारी की जाती है। इसको लेकर अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या भारत की कंपनियों के साथ चीन की कंपनियों का कंपटीशन नहीं होगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू है और अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, इसलिए चीन भी अब रूस की कंपनी को छोड़कर निकलना चाहता है। क्योंकि आप ये बात जानते होंगे कि जिस तरीके से चीन का व्यापार अमेरिका और पश्चिमी देशों में फैला हुआ है, और चीन रूस के चक्कर में अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपना व्यापार खत्म नहीं करेगा, क्योंकि चीन का व्यापार बहुत अधिक मात्रा में अमेरिका और पश्चिमी देशों से होता है। इसलिए चीन को यहाँ पर डर सता रहा है कि वो अगर इसी तरीके से रूस के साथ अपने व्यापार को जारी रखेगा तो अमेरिका के द्वारा ज्यादा समय चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाने में नहीं लगेगा। इसलिए एक कंपटीशन भारत के लिए मौजूद था, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके खत्म हो चुका है। इस चीज का फायदा भारत उठा सकता है, क्योंकि अभी भारत का व्यापार इंटरनेशनल लेवल पर नहीं फैला है।
इसलिए भारत के ऊपर अगर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगा भी दिया जाता है तो इससे भारत को कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पर रूस के साथ व्यापार करके भारत फायदा जरूर उठा सकता है। आपको बता दें, हर साल भारत और रूस 13 अरब डॉलर का व्यापार करते हैं, लेकिन अगर हम चीन की तरफ नजर डालेंगे तो चीन और रूस का व्यापार 100 अरब डॉलर के पार चला जाता है। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में रूस चीन के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर हो गया था, और भारत के इस मार्केट में एंट्री करने के साथ रूस जो चीन के ऊपर इतना ज्यादा निर्भर हो गया था उसकी भी निर्भरता धीरे धीरे करके काफी हद तक कम हो जाएगी। पहले भारत रूस के साथ हथियारों का काफी ज्यादा व्यापार करता था, लेकिन मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में ज्यादातर हथियार खुद ही बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भारत और रूस के बीच में हथियारों की डील भी नहीं हो पा रही थी। और यही वजह है कि यहाँ पर भारत और रूस का लगभग व्यापार खत्म होता चला जा रहा था, और धीरे धीरे करके चीन के ऊपर रूस की निर्भरता भी हो रही थी। इसी को देखते हुए यहाँ पर भारत को अगर इन सब चीजों से निकलना था तो भारत को सीधे रूस के साथ व्यापार करना था। और इन दोनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से खुद बयान दे दिया गया था, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि यहाँ पर दोनों देशों के बीच में व्यापार चालू होने वाले हैं, और रूस की चीन के ऊपर से निर्भरता भी कम होना कहीं न कहीं बहुत जरूरी था, नहीं तो रूस फिर चीन के पाले में चला जाता। इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वह रूस और यूक्रेन के बीच जंग पांचवें महीने में पहुंच गई है। शुक्रवार को यूक्रेन ने रूस के Su-25 एयरक्राफ्ट को मार गिराया। यूक्रेन एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की है। एयरफोर्स ने अपने बयान में बताया कि 24 जून को माइकोलाइव स्थित 79 एयर असॉल्ट ब्रिगेड के वायु रक्षा डिवीजन के एक सैनिक ने रूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। इससे पहले 22 जून को यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की एक मिसाइल और दो ड्रोन मार गिराए थे। पिछले 4 महीने से ज्यादा समय से युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन की मदद के लिए कई देश और संगठन आगे आ रहे हैं। यूरोपीय परिषद ने यूक्रेन की मदद के लिए 9 बिलियन यूरो यानी 578 अरब 10 करोड़ 20 लाख रुपए को मंजूरी दी है। यूरोपीय परिषद ने शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की है। पोलैंड के प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के बाद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हमने यूक्रेन की मदद का फैसला किया है। वो महीने से जंग से प्रभावित हैं। उनके पास डॉक्टर, टीचर्स, पुलिस और सैनिकों को भुगतान करने में परेशानी हो रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया, रूसी सैनिकों ने लुहांस के पास यूक्रेनी सेना को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इलाके में रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इससे कई बस्तियां तबाह हो गई है। न जाने कितने लोगों की मौतें हुई हैं। दुश्मन सेवेरोडोनेट्स पर कब्जा करना चाहता है। रूस अभी लुहांस के पास यूक्रेनी सेना को घेरने और रास्तों को बंद करने के लिए अभियान चला रहा है। वहीं यूक्रेन की सेना ने लुहांस के कुछ इलाके और खेरसोन के कुछ इलाकों में रूसी सैनिकों को खदेड़। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।